हिमाचल प्रदेश की आज की बड़ी खबर, भारी बारिश से कई जगह पेड़ गिरे, गाड़ियों को नुकसान, बिजली आपूर्ति ठप, देखें तस्वीरें। हिमाचल प्रदेश में आज फिर तबाही का मंजर देखने को सामने आया। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, साथ ही घंटी के बटन को ऑल पर सेट करें ताकि इसी तरह की न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। तो चलिए पूरी खबर जानते हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से कई क्षेत्रों में व्यापक नुकसान हुआ है। भूस्खलन से जगह जगह सड़कें बाधित हो गईं। राजधानी शिमला के कई भागों में पेड़ गिरने से गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, साथ ही बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के मैदानी और मध्य पर्वतीय भागों में आज भी भारी बारिश की चेतावनी दी है। राजधानी शिमला में देर रात से हुई बारिश से कई जगह भूस्खलन हुआ है। शहर में जगह जगह हरे पेड़ उखड़ गए। खलीनी के पास पेड़ गिरने से सड़क किनारे खड़ा एक ट्रक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, साथ ही सड़क वाहनों की आवाजाही के लिए ठप हो गई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, पेड़ के नीचे आने से ट्रक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। इसी के साथ बता दें, पेड़ गिरने से कई जगह बिजली के खंभे टूटे हैं जिससे विद्युत आपूर्ति ठप हो गई। उधर विकास नगर में भी देवदार के दो पेड़ एक साथ गिर गए, इससे बिजली रास्ते इलाके में बिजली गुल है। शहर में कई जगह नालों का पानी और मलबा सड़कों पर आ गया। कुल्लू जिले में भी बारिश से 10 से अधिक सड़कें बंद हैं। जिले में 3 दिनों से बारिश का दौर जारी है। इससे सेब का तुड़ान नहीं होने से बागवानों को लाखों का नुकसान उठाना पड़ा। सड़कों के बंद होने से भी सेब फंस गया है। सिरमौर में भूस्खलन से 4 सड़कें फिर से बंद हो गईं। शिलाई मंडल में सड़क पर भूस्खलन का खतरा बढ़ गया है। पांवटा साहिब शिलाई एनएच की हालत बेहद खस्ता है। सड़कों पर हादसों का खतरा बना हुआ है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। वहीं कालका शिमला एनएच पर रविवार को भी कई जगहों पर भूस्खलन हुआ। इसको देखते हुए कंपनी ने एनएच पर पेट्रोलिंग टीमों की संख्या बढ़ाई। हमीरपुर के पट्टा में भारी बारिश से स्लेट पोश मकान गिर गया। मकान में सो रहा परिवार बाल बाल बच गया। हादसा रात 3 बजे हुआ। तो ये सब हादसे आज हिमाचल प्रदेश में बारिश के कारण घटित हुए। आज हिमाचल प्रदेश में कई वाहन, कई सड़कें क्षतिग्रस्त हुई। इसी के साथ बिजली, पानी की सप्लाई भी ठप हो गई। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।